नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेवर्मन नक्सल। दोस्तों, मैं हमेशा क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं। बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं यार क्रिश तुम बकवास कर रहे हो वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें मैं सीरियसली नहीं लेता हूं क्योंकि ठीक है यार, पब्लिक है, बोलेंगे। कोई किसी को मेरी बात पसंद नहीं आई बोलेंगे, कोई दूसरे साइड का बंदा है, बिल्डर साइड का बंदा है, बोलेगा तो ठीक है ना, उसका बोलने का भी अधिकार है। और जरूरी नहीं है कि हर किसी को मेरा काम पसंद आए, तो चलता है। लेकिन किसी ने कुछ ऐसे कह दिया जो मेरे दिल को छू गया, और असल में छू गया, यानी ही हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी। और उसके रेस्पॉन्स में मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं, आपको भी अच्छा ही लगेगा और आपको भी ये बात सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो इस बंदे का, बहुत सारे लोग हैं, कैजुअल हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे ही वॉक इन हैं मेरे चैनल पे, कभी किसी ने कह दिया कुछ, ये बंदे ने क्या कहा जरा सोचिए। ये बंदे ने कहा, क्रिश तुम यार ये नेगेटिविटी फैलाते रहते हो, मना करते रहते हो, लोगों को कहते हो बिल्डर के सेल्स ऑफिस में मत जाओ, अंडर कंस्ट्रक्शन मत देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन मत लो, ये क्यों नहीं उन्हें सिखाते कि क्या करना चाहिए कि आपको एक सेफ फ्लैट मिले, जो आपको एक अच्छा डील मिले, क्या करना चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन में, बिल्डर के सेल्स ऑफिस में। अब मेरे पास इसके बहुत सारे दलील हैं, मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिसको मैं सामने रख सकता हूं और कहता हूं कि भाई इस कारण से मैं लोगों से कहता हूं कि जाओ ही मत, बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाना ही गलती है, पैर कदम रखना गलती है, बिल्डर के सेल्स वालों से बात करना, सीरियसली एंगेज करना एक बहुत बड़ी गलती है, और खास करके अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो मेरे पास कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं उन सारे कारण, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स, वो सारी बहसबाजी को बाजू में रख दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं इसके बेसिस पे। तो आज मैं उसे बाजू में रख देता हूं, और इस बंदे ने जो कहा है उसका एडवाइस मान के मैं आपको बता रहा हूं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपको देखना चाहिए बिल्डर के सेल्स ऑफिस में, और क्या चीजें हैं, क्या फोकल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए बिल्डर के ऑफिस में अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए खास करके। चलिए शुरू होते हैं। तो आप जाते हो बिल्डर के सेल्स ऑफिस में, उन्होंने आपको पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ दिया हो, या आप अपने आप से अपनी गाड़ी में गए हो, या जैसे भी गए हो, तो पहला काम मैं ये कहूंगा, अगर आपको, आप पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ से गए हो, तो उस दिन, जिस दिन आपने पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ लिया है, उस दिन प्लीज टोकन स्वाइप करने की गलती न करें। सीधी बात, क्योंकि आपको उस प्रोजेक्ट पर जाने का जो रास्ता है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाय रोड, जैसे भी आप ट्रैवल करते हो, वो ठीक से आपको समझ में नहीं आया है, और वो रास्ता आपको लाइफ लॉन्ग सताएगा अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो। तो पहला एडवाइस तो यही है कि बाय रोड जाओ, या बाय ऑटो रिक्शा जाओ, या बाय ट्रेन एंड ऑटो रिक्शा जाओ, या बाय ट्रेन एंड बस जाओ, जैसे भी जाओ, अपने स्तर के हिसाब से, अपने इकोनॉमिक स्टेशन के हिसाब से आप जाइए, अपने अपनी जो औकात है उसके हिसाब से आप जाइए, लेकिन पिकअप उनसे मत लेना, ड्रॉप ऑफ भी उनसे मत लेना। और फिर भी ऑफ कोर्स पिकअप ले लिया है तो उस दिन सेम डे आप टोकन कभी भी मत स्वाइप करो, क्योंकि आपको रास्ता समझ में नहीं आया है, चाहे उसका डील कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। ये पहली बात, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को बाजू में रखते हुए रास्ता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहां पर ट्रेन बदल के जाना है,
ट्रेन कैसे आएगा, खाली आएगा, भरा हुआ आएगा, ये सब आपको सोचना जरूरी है। और आप उस रूट से एक बार ट्रैवल करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बस के लिए रुकने वाले हो तो आपको समझ में आएगा कि बस के लिए कितना रुकना पड़ेगा, कहां पर बस स्टैंड है वगैरह वगैरह, कितनी बसें जाती है, कुछ तो समझ में आएगा। हो सकता है कि पूरी हकीकत आपको इस आपके सामने नहीं आएगा पहले दिन, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा जमीनी हकीकत क्या है। तो ये पहली बात, ठीक है। आप चले हो बिल्डर के सेल्स ऑफिस में और वो सेल्स ऑफिस ज्यादातर प्रोजेक्ट पर ही रहता है, जहां पे वो प्रोजेक्ट है वहीं पे सेल्स ऑफिस रहता है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं इस अजम्पशन से बोल रहा हूं। नंबर टू, आप अंदर जाते हो, वो आपसे कुछ 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 लिखवाना चाहते हैं, आपका नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह। आप नाम लिख दीजिए, मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, चाहे तो प्रोफेशन भी लिख दीजिए या कम जो भी है लिख दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फोन कॉल, ये फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो तो बहुत कुछ ले लेंगे आपसे लिखवा के। अपना इनकम, आप कौन सी कार चलाते हो, आप भाड़े के घर में रहते हो या ओन हाउस में रहते हो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए चाहते हो या क्या चाहते हो, या अपने सेल्फ यूज के लिए, बहुत 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 कुछ डिटेल्स वो लोग मांगते हैं। वो आपका इनकम का लेवल क्या है, किस स्लैब में आ रहे हो आप, बहुत बहुत डिटेल्स मांगते हैं। प्लीज वो डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। कोई अगर इंसिस्ट करे तो भी कह दो, देख भाई मैं यहां पे प्रॉपर्टी देखने आया हूं, मैं तुम्हें मेरे बारे में बताने नहीं आया हूं, अगर बताना पड़े तो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए कितना काफी है, मैंने अपना नाम लिख दिया, माय नेम माय सरनेम प्लस टू, मेरे साथ जो लोग हैं, दो प्लस टू हो गया, चलो। आपको अगर कोई चैनल पार्टनर लेके गया है तो वो चैनल पार्टनर अपना नाम लिखेगा, उसको ब्रोकरेज चाहिए इसीलिए वो लिख रहा है, वो आपका दोस्त है इसीलिए वो नहीं लिख रहा है, वो आपका शुभेच्छु नहीं है, वेलविशर नहीं है, उसको कमीशन चाहिए, वो कमीशन के लिए आपको लिखे गया है, ठीक है, उसको लिख लेने दो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आगे वो आपको आपके ब्रेन को प्रोसेस करना चाहते हैं, आपको एक ड्रीम लैंड में डालना चाहते हैं, आपको एक ड्रीमी मूड में डालना चाहते हैं, मूड बनाना चाहते हैं। ये लो सर हमारा सैंपल फ्लैट, कितना चकाचौंध होने जैसा फ्लैट है, ये देखो सर हमारे ब्यूटीफुल ब्रोशर्स, ये देखो सर हमारा एक प्रेजेंटेशन, एक छोटे से मिनी थिएटर में ले जाके दिखाएंगे, यू नो प्रोफेशनल क्वालिटी का वीडियो, ये सब आप मेरे हिसाब से ये सबसे दूर रहिए। अब क्या देखना क्या है, पूछना क्या है, तो आप कहिए एक काम करिए, मुझे 2.5 BHK में इंटरेस्ट है, एरिया बताइए, प्राइस बताइए। वो कहेंगे सर वो सब क्लोजिंग मैनेजर कहेंगे, आप कहिए सर वो सब छोड़ दो प्लीज, मुझे अभी इमीडिएट बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है खेलने के लिए, मुझे ये बताओ कौन सा फ्लैट है, कौन सा अवेलेबिलिटी है, पहले मुझे ये बता दो। और ये मत बोलो कि सिर्फ 3 फ्लैट अवेलेबल है, मुझे एक लिस्ट दे दो कि इतने फ्लैट अवेलेबल है, अगर आपके पास 10 से कम फ्लैट अवेलेबल है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहां पे एक मिनट के लिए नहीं रुकूंगा। आप मुझे 2 या 3 चॉइसेस दोगे और बोलोगे ये 3 में से एक चूज करो वगैरह, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं चला। अगर आपकी इन्वेंट्री बिक जाएगी, पूरी तरह से बिक जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप 2 या 3 दिन में सेल्स ऑफिस को पैकअप कर दो और जाओ घर में छुट्टी मनाओ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये इट डज नॉट कंसर्न मी वेदर यू हैव सोल्ड और नॉट, मुझे आप सीरियसली दिखाओ कि कितने इन्वेंट्रीज हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंट्री होते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। वो लोग आपको उल्लू बनाने के लिए 3 इन्वेंट्री है, लास्ट है सर, एकदम आप इंसिस्ट करोगे तो एक चौथा वाला मैनेजमेंट कोटा में से निकाल के दे रहे हैं सर, जो डायरेक्टर के बहू के लिए रखा हुआ था, यू नो इट दिस काइंड ऑफ बुलशिट, ये सब बकवास है। तो ये बात आप ध्यान रखो कि उनका वो जो लिमिटेड इन्वेंट्री वाली जो बात है ना,
सर इन्वेंट्री आज के आज खत्म हो जाएगी, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, तीन दिन में खत्म हो जाएगी, सिर्फ लास्ट 5 पीसेस बचे हैं, वो सब बकवास को सुनो ही मत, ब्लॉक कर दो। अगर कोई बकवास कर रहा है उठो निकलो। ओके नाउ ये था पॉइंट नंबर 2। अब चलिए आगे देखते हैं आप क्या उसको पूछोगे। प्लीज उनके बताए हुए रास्ते पर मत जाओ, आप अपना रास्ता तय करो कि आपका डिसीजन मेकिंग ट्रैक क्या है। तो आपका डिसीजन मेकिंग ट्रैक क्या होना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, दोबारा मैं कहता हूं, प्राइस, बाकी सब वो फ्रिल्स व्रिल्स, वो कहां पे है, क्या है, क्लब हाउस मिलेगा, वो सब छोड़ दो, अभी कभी के लिए छोड़ दो। प्राइस, फ्लैट, पार्किंग, पार्किंग किस टाइप का है, फिक्स्ड है, क्या है, मुझे आप लिख के दोगे कि ये नंबर का पार्किंग मुझे मिल रहा है या नहीं लिख के दोगे, ये पोडियम में है या बेसमेंट में है या कहां पर है, और ये पोडियम और बेसमेंट या जो कुछ भी है पार्किंग, ये मेरे घर से कितना दूर है, सेम बिल्डिंग में है, सेम लिफ्ट से ऊपर नीचे जाना है या मुझे आधा किलोमीटर चल के आना पड़ेगा या 1 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा गाड़ी पार्क करके, प्लीज टेल मी वेरी क्लियरली। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं चला, क्योंकि आप जिस चीज को बेचना चाहते हो उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहां पे आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं चला। मुझे पार्किंग बताइए, पोडियम है, क्या है, पार्किंग के डायमेंशंस क्या है। वो कहेंगे सर स्टैंडर्ड है, फलाना ढिमकाना, नहीं वो सब छोड़ दो, मुझे पार्किंग का प्लान दिखाओ, ये फ्लैट के साथ कौन सा पार्किंग जाता है मुझे ये जानना है, आपने सिस्टमैटिकली किया है या नहीं किया है। वो कहेंगे नहीं किया है, चलो छोड़ो, खत्म हो गई बात, मुझे बात डिस्कस करना नहीं। अगर वो सीधी तरह से आपको फ्लैट बेचना चाहते हैं, फ्लैट, फ्लैट का एरिया, फ्लैट का कॉन्फिगरेशन, वेदर इट इज 2.5 BHK, वेदर इट इज 3 BHK, फ्लैट का प्लान, एल शेप का सिटिंग रूम है, जो भी शेप का सिटिंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, ड्राई एरिया है, फलाना ढिमकाना, बालकनी, बालकनी इज इट एनक्लोज्ड, आप बालकनी कह के सिटिंग रूम के अंदर ले रहे हो या बालकनी बालकनी है, मुझे ये जानना है। क्लियर कट भाषा में वो, सर आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो मैं नहीं लूंगा। प्लान दिखाओ और प्लान के साथ में मुझे एलिवेशन भी दिखाओ। एलिवेशन मतलब, प्लान मतलब फ्लैट को ऊपर से जब देखते हो वो होता है प्लान, प्लान व्यू। एलिवेशन व्यू मतलब बिल्डिंग को ऐसे देखा जाता है, यानी सामने से। तो सामने वाला जो व्यू रहता है वो आपको एक आइडिया देता है कि बिल्डिंग कैसे दिखने वाला है और उस बिल्डिंग में आपका जो फ्लैट है उसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखने वाला है, तो वो आपको एक आइडिया देगा कि इसका स्पान क्या है। ऑफ कोर्स एलिवेशन एक नहीं है, सभी साइड से है, और फ्लैट के अंदर का भी आप एलिवेशन व्यू देख सकते हो, लेआउट व्यू देख सकते हो। आप वॉक थ्रू कहो, आप कहो मुझे फ्लैट का वॉक थ्रू दे दो। वॉक थ्रू क्या होता है, वॉक थ्रू मतलब एक कंप्यूटर एनिमेशन है जिससे वो 3D मॉडलिंग, बेसिकली 3D मॉडल ऑफ योर फ्लैट। तो हर एक फ्लैट में आप डोर से एंट्री लेते हो तो कैमरा आपको दिखाएगा डोर से एंट्री ले रहे हो, लेफ्ट टर्न करोगे तो आपको क्या दिखेगा, राइट टर्न करोगे तो आपको क्या दिखता है, बेडरूम का दरवाजा कहां पर है, पैसेज की लंबाई कितनी है, किचन कहां पे है, दिस इज अ वॉक थ्रू, 3D में वॉक थ्रू होता है। और अगर कोई भी बिल्डर सीरियस है, आपके साथ खेल नहीं रहा है, तो वो आपको एक एम्प्टी फ्लैट का वॉक थ्रू दे सकता है, उसके पास उतने पैसे हैं कि वो वॉक थ्रू एक आर्किटेक्ट से बनवाएगा, प्रोफेशनल काम, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑर्डिनरी चीज है। आप वॉक थ्रू ले लो, समझ लो कि आपका किचन का क्या सेटिंग है। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोगों को 1 BHK कहके 1 room kitchen बेचते हैं, या फिर 2 BHK कहके एक्चुअली इट इज वो जो जिसको वो लोग हॉल कह रहे हैं, वो हॉल और किचन सेम है।
हॉल के अंदर ही प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब ये आपको बाद में पता चलेगा, तब तक आप समझोगे किचन एक अलग चीज है, BHK। तो इस तरह से फ्लैट्स बेचे जाते हैं, आपको पता नहीं होता है बाथरूम एक है दो है, प्लान देखोगे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप आम इंसान हो और आपको उस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि देखो बॉस मैं आम इंसान हूं, आम इंसान के सारी खामियां मेरे अंदर हैं, और अगर तुम मुझे किसी तरह से विद्वान ठहराना चाहते हो कि सर ये तो आपको पता ही है ना सर, ये देखो ना प्लान, तो आपको संकोच छोड़ के शर्म छोड़ के कहना चाहिए दोस्त मुझे तुम्हारा प्लान, ये जो आर्किटेक्चरल प्लान है ना छोटू सा तुमने बनाया है ना ब्रोशर में, ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, प्लीज मुझे वॉक थ्रू दो, अगर वॉक थ्रू नहीं है मैं चला, सेम थिंग मैं चला, ठीक है। अब आपने फ्लैट देख लिया, मान के चलते हैं कि आपको पसंद आया कि फ्लैट अंदर से कैसे दिख गया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, किसी भी सूरत में जाना गलती है, लेकिन फिर भी आपने अगर जिद पकड़ा हुआ है कि नहीं नहीं मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहता हूं, तो भाई मैं आपको उसका गाइडलाइन, यानी बेसिकली ऐसा है ट्रैक मत क्रॉस करो, ऐसे मैं कहता हूं, रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करके मत जाओ। लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं क्रिश मेरा जिद है कि मैं रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करूंगा ही करूंगा, तो फिर मैं कहता हूं ये सारे सेफ्टी गाइडलाइंस है रेलवे ट्रैक्स क्रॉस करने के, जिसको लेकर आप जिंदा बचोगे और उस तरफ पहुंचोगे अगर सब कुछ सही चला तो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, आपने वॉक थ्रू ले लिया, आपको चलो फ्लैट पसंद आया, चलो रेट आपको मोर और लेस समझ में आ रहा है, मोर और लेस नेगोशिएशन करना है वो बाद में करोगे, करना है करना पड़ेगा, आपको उसके प्राइस को डाउन करना चाहिए और करना पड़ेगा वो बाद में। अब चलिए देखते हैं कि उसकी जो फ्लैट है, वो जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट किस तरह का है। तो आपका ये काम करो, मुझे प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू दो, यानी आपको वो दिखाएंगे कि देखो ये कंपाउंड है, ये गेट में से एंट्री लिया, ये टावर है, ये टावर का सर्कल में अराउंड ऐसा है, ये क्लब है, आपको वॉक थ्रू दे सकते हैं। ओके, कई सारे इसमें वॉक थ्रू देते नहीं है, और अगर वो बहुत ज्यादा है ज्यादा ऐसा ये क्या कहते हैं ऑर्नामेंटल वॉक थ्रू है तो आपको थोड़ा सा घबरा जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको इधर उधर की बातों से यानी वो भटकाना चाहते हैं, आपके ध्यान को भटका रहे हैं, मुद्दे की बात से आपके ध्यान को भटका रहे हैं, तो ये बात भी आपको समझ लेना चाहिए। वैसे उनका तो कोशिश रहेगा हर एक मिनट में वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है। अब चलिए आप कहते हो दोस्त एक काम करो, मुझे अग्रीमेंट का प्रोफोर्मा दिखाओ। वो कहेंगे सर पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और टोकन देना होगा। नहीं 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 नहीं, डील क्या है, आप मुझे फ्लैट दोगे, क्या फ्लैट तैयार है? नहीं है, फ्लैट तैयार नहीं है, करेक्ट। तो डील क्या है, जिस चीज को जो चीज अस्तित्व में नहीं है, मैं एक फ्लैट नहीं खरीद रहा हूं तुमसे, मैं खरीद रहा हूं एक प्रॉमिस, एक हाइपोथेटिकल फ्लैट जो बनने वाला है, और मेरा जो पूरा अग्रीमेंट है वो तुम्हारे उस प्रॉमिस को लेकर, मेरा क्या है तुम्हारा क्या है ये अग्रीमेंट है, मतलब ये अग्रीमेंट के अंदर ओवरऑल डील आ जाना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार बिल्डर्स ऐसे करते हैं सर आपके साथ आपको सबवेंशन ऑफर है, तो आप कहिए सबवेंशन ऑफर मतलब क्या, वो कहेंगे सर जो भी आप 10% दे दो और फिर लास्ट में आप दे दो, लास्ट में बाकी सब बीच में जो भी लोन का EMI आएगा प्री EMI वो हम दे देंगे सर। अब बोलिए एक काम करो, ये सबवेंशन स्कीम है कहीं पे लिखा हुआ है? वो कहेगा मैं समझाता हूं सर। नहीं नहीं नहीं, वो समझाना वमझाना छोड़ दो, कहीं पे लिखा हुआ है क्या इन अ प्रिंटेड फॉर्म, क्योंकि तुम नहीं कह रही हो ये तुम्हारी कंपनी कह रही है, करेक्ट?
तुम्हारी कंपनी के तरफ से ऑफर है ना, सेल्समैन के तरफ से ऑफर नहीं है, तो मुझे वो प्रिंटेड में चाहिए, एक बराबर तुम्हारे कंपनी के लेटर हेड पे चाहिए कि तुम्हारा एग्जैक्टली किस टाइप का सबवेंशन स्कीम है, मुझे दे दो, लिख के दो, या लिख के नहीं है सर ठीक है, प्रिंट आउट होगा, प्रिंट आउट नहीं, अच्छा तुम्हारे वेबसाइट पे एक पीडीएफ फाइल होगा, पीडीएफ फाइल भी नहीं है, तो मैं चला, तो फिर मुझे सुनना नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा बकवास और तुम्हारा बोल बच्चन मुझे सुनना नहीं है। अगर किसी टाइप का ऑफर है, फॉर एग्जाम्पल रेंट एंड बायबैक, रेंट एंड बायबैक और रादर बायबैक एंड रेंट या ऐसे कुछ, तो क्या होता है, वो कहते हैं सर आप पहले एक फ्लैट खरीदोगे, फिर आप हमको भाड़े पे दोगे, अच्छा उसके बाद फिर हम वो फ्लैट को भाड़े पे चढ़ा देंगे किसी और के साथ, अच्छा उसके बाद, तो सर फ्लैट आपके नाम पे रहेगा और आपको भाड़ा मिलता रहेगा, तो आपका जो ईएमआई वगैरह है ना, ईएमआई पूरा कवर हो जाएगा फ्रॉम दिस इनकम, आपको एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। तो आप बोलिए, लिखा हुआ है कहीं पे, एक पेज है जो जिसको मैं लेके घर जा सकता हूं और उसके बारे में सोच सकता हूं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकता हूं, नहीं सर ये हमारा स्पेशल ऑफर है, लिखा हुआ है क्या, सॉफ्ट कॉपी में है क्या, भेज दो पीडीएफ फाइल, भेजो मेरे फोन पे, भेज दो व्हाट्सएप कर दो, अगर नहीं है तो आपको डरने की जरूरत है। अच्छा फिर लास्ट में आते हैं हम अग्रीमेंट, तो ये अग्रीमेंट जो चीज है वो आपको नहीं देंगे तो वैसे तो है ऑलरेडी ऑन रेरा 90% है, और अगर रेरा पे नहीं है तो किसी भी सूरत में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अगर रेरा पे है आप रेरा से डाउनलोड करो, आप उसमें देखो, आप उसको पढ़ो एक बार और पढ़ो उस, आप बिल्डर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, एक सवाल आपसे है, आपका अग्रीमेंट बिल्डर मतलब एक पार्टी है, वो एक पार्टी से है या दो पार्टी से है, तो फिर वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया, या तीन चार पार्टी से है तो वो मल्टीलैटरल अग्रीमेंट हो गया। अगर बिल्डर ने लैंड ओनर और तीन चार ऐसे पार्टीज और एक आध कंफर्मिंग पार्टी और बिल्डर का पार्टनर कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर और ऐसे सब पार्टीज को क्रिएट किए हैं, क्योंकि कुछ बिल्डर्स ऐसे बहुत सारे पार्टीज डाल देते हैं, तो आप एक बार नजर भी मारोगे ना ओवरऑल कि आपका अग्रीमेंट बिल्डर के साथ है तो टू पार्टी का अग्रीमेंट है, एक कंफर्मिंग पार्टी है तो आपको जानना चाहिए वो कंफर्मिंग पार्टी के साथ बिल्डर का क्या रिश्ता है, तो थ्री पार्टी। वो कहेंगे नहीं सर ये सब हम डिस्कस नहीं करते जब तक आप टोकन नहीं देते हो, तो वापस आपका अप्रोच यही होना चाहिए, आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आपका बिल्डर का और ये कंफर्मिंग पार्टी या कॉन्ट्रैक्टर या लैंड ओनर के साथ क्या है उसका मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हो, मैं चला खत्म। पूरी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट प्रोफोर्मा को समझो, तब जाके फ्लैट लो, टाइम लगने वाला है, लगने वाला है, उस दिन टोकन नहीं देना है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल, जय हिंद।